हाय बच्चों, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू टुडेस सेशन, अनदर सेशन ऑफ एनडीए लक्ष्य बैच, जहां पे हम करेंगे तैयारी एनडीए को बिल्कुल बिल्कुल रॉक करने की. विद मी अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेस एट विदाउट होपिंग ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंगली वेल, स्टेइंग होम, स्टेइंग सेफ, टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड योर लव्ड वंस. आज है हमारा जनरल नॉलेज का PYQs का डिस्कशन. तो हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस पुराने सेशंस में, जो पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं, वहां से उठा करके भी प्रैक्टिस. सो वी आर गोइंग टू नेल दिस ऑन पॉइंट. तो शुरू करते हैं आज का सेशन, बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन, क्योंकि अब वेदांत मैथ फैमिली ऑफ 1 मिलियन. Thank you so much for all that love, all that affection, all that support and respect that you guys have given to us. जो हमें सिर्फ और सिर्फ motivate करता है और आगे बढ़ाता है. ऐसे ही प्यार और बहुत सारा support देते रहिए. Please do not forget to keep subscribing अगर आपने नहीं किया है. And definitely make sure to share this video, like this video, because हम अपनी तरफ से पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि आपका NDA तो crack हो ही जाए. So if these sessions are helping you, do not forget to hit the like button and do share the video with your friends. Aaj general knowledge ka session hai, wapas yaad dila de rahi hu. Now what do we basically mean by NDA? NDA beta stands for National Defence Academy. Jin bachchon ko clarity hoti hai ki school se nikalte hi hame jo hai military services mein jana hai, wo bachche is exam ko dete hain. Aur conduct karane wali body jo hai wo hai UPSC ki. दो बार होता है साल में, अप्रैल और सितंबर में, जैसे अभी इस साल हो रहा है, ठीक है, सितंबर में होने वाला एग्जाम. ऐसे ही हर बार दो साल में, मतलब हर साल दो बार होता है, मतलब आपका फाइनल भी होता है और मिड टर्म्स के टाइम्स में ऐसा दो एग्जाम होगा. रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव MCQs का, उसी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं. आज जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे तो आप देख भी पाओगे. यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट टू एड ऑन, पहले भी जितने भी सेशन हमने किए हैं सब में नीचे एक वीक क्विज का लिंक दिखा होगा आपको. ये ऑन डिमांड क्विज है. ऑन डिमांड कहने का मतलब ये है, आप जब भी इसको अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो, चाहे सेशन के बाद, सेशन के पहले, व्हेनेवर, इट्स ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना, क्योंकि इन सारे क्विजेज में हमेशा हमने प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस ही डाले हैं. तो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट. एंड बाकी जो है, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, ये टोटल 900 मार्क्स का होता है. अब इसका डिवीजन मैं बताऊंगी कैसे होता है, बट अगर ये क्वालिफाई कर लेते हो तो एक इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाई, मतलब मेडिकल फिट, इंटेलिजेंस टेस्ट, आर यू पर्सनैलिटी वाइज मतलब गुड और नॉट. और ये सारे एग्जाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं ऑब्वियसली, ये असेसमेंट. अब ये जो आपका पहला रिटन टेस्ट हो रहा है, ये दो पेपर्स में होता है. पहला पेपर होगा 300 नंबर का, 250 मार्क्स का, ये मैथ्स का होगा. दूसरा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, ये 600 नंबर का होगा. इसमें आपका इंग्लिश पूरा 200 नंबर का पार्ट ए आएगा. पार्ट बी वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस, दोनों जो है 200 नंबर के रहेंगे, ठीक है. इस साइंस में फिजिक्स रहेगा 100 का, बायो रहेगा 40 का और केमिस्ट्री 60 का. सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी लगभग मिलाकर 80 मार्क्स, थोड़ा 80 मार्क्स का लगभग ज्योग्राफी, सॉरी ज्योग्राफी पहले बोल दिया था मैंने, ज्योग्राफी अलग से 80 है, हिस्ट्री सिविक्स इको मिलाकर ऑलमोस्ट 80 है. थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है नंबर, एकदम ऐसा फिक्स नहीं है 80 80. एंड 40 का हमारा जीके आता है, स्टैटिक और करेंट अफेयर्स दोनों. हम थोड़ा करेंट अफेयर्स पे आज बेस करने अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चंस. तो शुरू करते हैं हमारा एनडीए के जनरल नॉलेज का पेपर और कर देते हैं रॉक. इसे हम क्विज के फॉर्म में करने वाले हैं. सो गाइस, सी बात ऐसी है कि जनरल नॉलेज मैं आपको पढ़ा नहीं सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ कि ये एक घंटा मैंने लिया और आपको फटाफट सब रटवा दिया, ये नहीं हो सकता है. मैं आपको ये बता सकती हूँ ये न्यूज में चल रहा है, ये न्यूज में चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है अभी कि भैया अभी ये रशिया और यूके का, यूक्रेन का वॉर हुआ था तो उस पर ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे ये शिफ्ट हो रहा है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये नई पॉलिसी आ रही है, इस साल के बजट में क्या है, ये सब चीजों पर ध्यान दो. ऑफकोर्स ये तो है ही, बट उसके अलावा जो है बच्चे कुछ स्टैटिक जीके भी है, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने जो जिस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपको पता हो कि कैसे न्यूज से अपडेटेड रहना है, वो आपके लिए लेकर आए. बाकी आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे न्यूज की वेबसाइट्स है जिन पे कैप्सूल्स मिल जाएंगे स्पेसिफिकली फॉर एनडीए, वो आपको हर दिन का करंट अफेयर, हर दिन का इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेशनल क्या जरूरी है, अभी क्या जरूरी है, ये सारी चीजें आपको अपडेट करते रहते हैं. तो इन सारी चीजों से यू हैव टू बी अपडेटेड. विल डू इट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड देन एक्सप्लेनेशन. तो हम कुछ 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं इन द अपकमिंग 45 मिनट्स.
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टेट, जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इस तरीके की चीजों को हम बहुत फोकस करेंगे। आपको इन्हीं चीजों का न्यूज पता होना चाहिए, और वो मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ बिकॉज दैट्स जस्ट एंडलेस। आई कैन टेल यू प्रॉबली ये जरूरी है, बट वो पढ़ना आपको ही होगा बिकॉज मैंने अगर 4 पॉइंट बताए भी और 1 पॉइंट मान लो कुछ माइनर मिस हो गया, सवाल वहां से आ सकता है। वो आपको व्हेन यू रीड यू नो एवरीथिंग। सो विच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स इन द स्टेट असेंबली इन 2021? मतलब देखो ऐसे सवाल भी आते हैं। तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा और कर्नाटका। वो कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मीटिंग्स कराई अपने विधानसभा के साल 2021 में? सोचो जरा। तमिलनाडु ने कराई, केरला ने कराई, उड़ीसा ने कराई, कर्नाटका ने कराई। बच्चा जीके में आई एम जस्ट गोना से दैट रीड एज मेनी थिंग्स इज पॉसिबल। पॉइंट ये है कि जीके ना कुछ भी आर पार नहीं, मतलब कुछ भी बीच का नहीं है। इट्स लाइक आर पार, या तो ये एंड पे है या तो वो एंड पे है। देयर इज नथिंग इन बिटवीन एज सच। ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। आप गेस ले लेना वो अलग बात है, बट अब आप इसको कैसे पता होगा आपको कि भाई हाँ इसका जवाब जो है वो केरला है ना? तो केरला है कैसे? तो हमारी जो रीसेंट स्टडी हुई है ऑफ द थिंक टैंक, एक थिंक टैंक है, जैसे कि थिंक टैंक एक और है नीति आयोग भी, मैंने आपको बताया था ना, इट्स लाइक अ थिंक टैंक। उनका काम अब पहले प्लानिंग कमीशन जैसा नहीं रह गया, तो वैसे ही एक थिंक टैंक है हमारा पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, जो केरला पे जिसने स्टडी किया है, मतलब केरला पे नहीं, जिसने इस चीज पे स्टडी किया, एंड दे फाउंड दैट केरला हैड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ स्टेट असेंबली एट 61 डेज। 61 डेज दे हैड देयर मीटिंग्स गोइंग ऑन एंड सेशन बीइंग इन देयर फॉर विधानसभा। 2016 से 2019 के बीच में ये इनफैक्ट टॉप पे ही रहा है विद एन एवरेज ऑफ 53 डेज इन दिस सेशन। नॉर्मली बाकी स्टेट्स का इतना नहीं होता है, और इसके पीछे आता है उड़ीसा विथ 43 डेज, फिर कर्नाटका विथ 40 एंड तमिलनाडु विथ 34 डेज। तो ये जो चार नाम है, ये चार नाम आपके उसी ऑर्डर में ही गिवन है, ठीक है? ऐसे ये ऑर्डर है, आपको पहले चार स्टेट्स वैसे ही पता चल गए जहां पे सिटिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा हुई है। चलो, पीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वेर अ न्यू डैम्सिल्फी स्पीशीज विच इज योर प्रोटोस्टिका एनामल, सॉरी नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्रोटोस्टिका एनामल मलाइका, ठीक है, ये जो स्पॉट किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से स्टेट में है? तो देखो यहाँ पे फोकस हमें और किसी चीज पे नहीं होना है कि ये डैमसल फ्लाई की स्पीशीज है, उससे हम कंफ्यूज हो जाए। हमें फोकस करना है इस सेंचुरी पे, ये सेंचुरी कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है, केरला में है, महाराष्ट्र में है, या कर्नाटका में है? सो आई विल ऑफ कोर्स गिव यू क्वेश्चंस एंड कीप गिविंग यू आंसर्स एज वेल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूव ऑन। द करेक्ट आंसर इज अगेन केरला। केरला सारे केरला में ही है सारी चीजें, ऐसा लग रहा है, बट यस। तो जो एंटोमोलॉजिस्ट है फ्रॉम ट्रावनकोर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उन्होंने अभी अभी ये रिसेंटली काफी आइडेंटिफाई किया, तो आप देख सकते हो रिसेंट चीजों पे बहुत फोकस किया जाता है। तो इट्स द अनमलाई रीड टेल फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स इन द पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन थ्रिसूर। विद दिस द नंबर ऑफ ओडोनेट्स इन केरला जो है वो अब बढ़कर 182 हो चुकी है। ये इंसेक्ट जो है पहली बार इसको पोनमुडी हिल्स में इसी सेंचुरी के जो मुना लैंडस्केप में आती है आइडेंटिफाई किया गया था। द जेनस योर प्रोटोस्टिका सेल्स कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर बिल्ड डैम्स फ्लाइज कॉमनली नोन एज द रेड टेल्स और शेडो डैम्सल्स। तो ये स्लेंडर बॉडी की होती हैं, पतली सी होती हैं, और उनमें ही एक नई डिस्कवरी अब जो है हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स रिसेंटली सेट अप बाय सेंटर टू मॉनिटर द मंकी पॉक्स सिचुएशन? तो हमें पता है कि पहले कोविड आया, और कोविड के बाद से जो एक दूसरी चीज बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेटली अब पाई जा रही है जिसका एक कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है, वो है मंकी पॉक्स। तो ये हमें पता है कि बहुत ज्यादा न्यूज में रह रही है। अब इसको इसके ऊपर जो स्टडी करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है, उसके हेड कौन है? अब देखो ये यही बात है, जो करंट अफेयर्स चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, उसी से रिलेटेड सवाल आएंगे। तो अमिताभ कांत है, वी के बॉल जी है, मनसुख मानधव्य है,
या फिर भारती पवार। थिंक अबाउट इट, हु इज इट? अमिताभ कांत, वीके पॉल, मनसुख मांडविया और भारती पवार। एंड वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। गाइस देखो, ऐसा है, सेशन रिकॉर्डेड है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इट्स नॉट लाइक अ लाइव क्विज दैट्स गोइंग ऑन। आपको लग रहा है यू वांट टू थिंक अबाउट इट, तो वहीं पे वीडियो पॉज कर दो और बैठ कर सोचो, ठीक है? बैठ कर सोच कर सेलेक्ट करो दिमाग में जवाब एंड देन मूव ऑन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज वी के पॉल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टास्क फोर्स को लगाया है इंडिया में मंकी पॉक्स को सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि कोविड जैसे ये फैल ना जाए, हम इसको तुरंत कंट्रोल में ले सके। और डॉक्टर वी के पॉल जो हैं, जो कि नीति आयोग हमारे दूसरे थिंक टैंक के मेंबर हैं, वहां से ये मॉनिटर करेंगे। टास्क फोर्स इंक्लूड करती है ऑल्सो ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मा एंड बायोटेक, जो एडवाइस करेंगी गवर्नमेंट को कि अगर एक्सपैंड हो रही है इसकी फैसिलिटीज, मतलब अगर इसकी डायग्नोस्टिक, तो क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, क्या वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है, कैसे डिजीज को कंट्रोल और कर्ब करना है। अभी तक ये देखा गया है कि केरला में हमारी 3 केसेस निकली हैं और दिल्ली में 1 केस, तो ये भी एक अपडेट है कि टोटल 4 केसेस हैं, जो 3 आपकी केरला की हैं और 1 दिल्ली की हैं एज पर सम टाइम बैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which institution has developed ultrasound adhesives that reduces image of internal organs of the body? तो एक इंस्टीट्यूशन ने एक ऐसा एडहेसिव बनाया है, एक ऐसा ग्लूई कंपोनेंट बनाया है, जो अल्ट्रासाउंड में यूज करने से क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स का जो है आपको इमेज डेवलप कर देता है। अब ये देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, अल्ट्रासाउंड के पहले एक जेल लगाया जाता है, दैट जेल, दैट इज व्हाई इट हैज अप्लाइड, बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दैट कुछ चीजें बहुत लेटेस्ट है, कुछ चीजें थोड़ी पुरानी होंगी, कुछ स्टैटिक जी के भी है, तो सब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज वगैरह पता होना जरूरी है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द MIT और द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, विच वन इज इट? किस इंस्टीट्यूशन ने वो अल्ट्रासाउंड एडहेसिव डेवलप किया है जो बॉडी इमेजेस को इतनी इंटरनल ऑर्गन्स की क्लियरली प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करती है? एंड द करेक्ट आंसर इज MIT। ठीक है, तो इनके इंजीनियर्स ने इस पैच को रेडी किया जो अल्ट्रासाउंड इमेजेस ऑफ बॉडी को रेडी करती है। ये स्टैम्प साइज डिवाइस स्टिक करता है स्किन पे और ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम अल्ट्रासाउंड इमेजिंग हार्ट का, लंग्स का, या जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, 48 आवर्स तक करता रहेगा। मतलब आप सोच रहे हो कितना एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी। अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो आप अपॉइंटमेंट लेते हो, जाते हो, लोग होते नहीं होते, बट समटाइम्स यू नीड इट अर्जेंटली। सो इफ यू हैव दिस एडहेसिव, अगर आपने वो स्टिकर लगा दी, यू हैव लाइव अल्ट्रासाउंड हैपनिंग। और ये जो डिजाइन है, इट माइट मेक द टेक्नोलॉजी एज वेयरेबल एंड एक्सेसिबल, अनलाइक द बल्की एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। अब वो इक्विपमेंट एक जगह पे होती है, डॉक्टर साहब को अलग से अपॉइंटमेंट देते हैं, जाओ वहाँ अल्ट्रासाउंड कराओ, ऐसे क्या हो जाएगा, बहुत एक्सेसिबल हो जाएगा, स्पेशली कंट्री साइड वगैरह में अगर ये पहुंच जाए तो बहुत सारी डायग्नोस्टिक्स डायग्नोसिस जो है वो टाइम पे हो पाएगी। लॉकडाउन लिरिक्स विच वॉज रिलीज रिसेंटली, इस किताब के जो है ऑथर कौन है? संयुक्ता दास, संयुक्ता दास, सॉरी, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय और विक्रम सेठ, ये सारे ही जाने माने फेमस राइटर्स हैं हमारे। लॉकडाउन लिरिक्स जो किताब है, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, समझ भी आ रहा है कोविड के ऊपर है, तो मतलब ऐसा लग रहा है, तो ये जो है ये किताब किसने लिखी है? द राइटर्स नेम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप देख रहे हो साइंस से भी क्वेश्चंस हैं, लिटरेचर से भी क्वेश्चन है, बुक्स आई मीन लाइक लिटरेचर से भी क्वेश्चंस हैं, आपके पॉलिटी से भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जोग्राफिक एरिया वगैरह से भी क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ से, नेचर से, इट कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, राइट? तो उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ये किताब जो है रिलीज की थी, जिसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स। तो एक कलेक्शन ऑफ पोम्स है जो कि पोएट संयुक्ता दास, संयुक्ता दास ने बेसिकली लिखी है। वो एक उड़िया पोएट है हु हैज 3 anthologies ऑफ पोएट्रीज इन उड़िया लैंग्वेज। लॉकडाउन लिरिक्स उनका डेब्यू है इंग्लिश में, अभी तक उन्होंने सब कुछ उड़िया में किया हुआ है। ये ऑफकोर्स पैंडमिक के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। विच बॉडी मेंटेन्स द डिपॉजिटर एडुकेशन एंड अवेयरनेस, DEA फंड? DEA फंड कौन मेंटेन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नीति आयोग? डिपॉजिटर एडुकेशन एंड अवेयरनेस का फंड है। एक और चीज बोलना चाहूंगी, एलिमिनेशन जो है,
ये भी आप यूज कर सकते हो मेथड, ठीक है, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। अगर आपको लगता है कि यार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इससे क्या लेना देना होगा, अगर हम कह रहे हैं डिपॉजिटर एडुकेटर ऑफ अवेयरनेस, लेट्स जस्ट से आपने ये एडुकेटेड गेस लिया, तो आप कहोगे ये नहीं है, तो मेरे लिए एक जो है कंफ्यूजन कम हुआ। आरबीआई मुझे लगता है बैंक वगैरह को रेगुलेट करती है, तो ये नहीं होगा। मुझे लगता है नीति आयोग नहीं होगा, क्योंकि ये तो थिंक टैंक है, ठीक है। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, तो आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस बेसिस पे एलिमिनेट कर रहे हो। तो आरबीआई वैसे तो यहाँ पे सही जवाब है। अनक्लेम डिपॉजिट्स जो है आर डिफाइंड एज बैलेंस इन सेविंग्स करेंट एंड करेंट अकाउंट्स और टर्म डिपॉजिट्स व्हिच आर नॉट क्लेम्ड फॉर विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मच्योरिटी। तो क्या होते हैं बच्चे, जैसे मैंने मान लो फिक्स डिपॉजिट किया, ये जो है 2011 में ही मच्योर हो गया था और मैंने उसको नहीं निकाला अभी तक। अब मैं भूल गई, मुझे पता नहीं है, मेरी डेथ हो गई है, या मैं अब इंडिया में रहती नहीं हूँ, फॉर वॉट एवर रीजन, अब मैं शायद उसको कभी वापस लेने नहीं आऊंगी। अब वो एक्सपायर हो चुका है, एक मच्योरिटी के बाद बैंक बहुत समय तक पैसे आपके क्यों रखेगी, आपका काम है आप आकर ले जाओ। तो अगर ऐसे चीजें हैं कि कोई बैंक अकाउंट है 10 साल से ऑपरेशनल नहीं रहा है, पैसे उसमें पड़े रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई टर्म डिपॉजिट है, एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए टाइम के लिए आपने कुछ डिपॉजिट किया है, इतने सारे टाइम से वो रखा हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, दीज अमाउंट्स आर बेसिकली लाइंग देयर विद द बैंक, तो ये ट्रांसफर कर दी जाती है बैंक के द्वारा डिपॉजिटर एडुकेशन एंड अवेयरनेस को, जो मेंटेन करता है आरबीआई, क्योंकि बैंक में होता है ये डिपॉजिट, तो बैंक का है आरबीआई में। तो अभी हमें यहाँ क्या कंफर्म होना चाहिए था कि डीए जो है वो बैंक से ही ओरिजिनेटेड फंड्स है, ठीक है। तो आरबीआई ने इंकरेज किया है लोगों को कि ऐसे डिपॉजिट्स को वो क्लेम करते फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैंक्स, वरना ये इस में चला जाएगा। हाउएवर द अमाउंट ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट्स इज ऑन द राइज, लोग नहीं ले जा रहे, पता नहीं है कौन से लोग है जो नहीं ले जा रहे हैं। सो पिंगली वेंकैया हुज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड रिसेंटली वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इज रिमेंबर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन, लीडिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कंपाइलिंग नेशनल एंथम, डिजाइनिंग नेशनल फ्लैग, और विनिंग इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज स्पोर्ट्स मेडल्स। तो इनका जो हमने अभी अभी बर्थ एनिवर्सरी कुछ वक्त पहले ही सेलिब्रेट किया है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रही है जिसकी वजह से हम उन्हें याद करते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम लिया जाता है। हैज शी यू नो लीड किया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, कंपाइल किया है नेशनल एंथम को उन्होंने, गलती से मैंने बोल दिया, डिजाइनिंग नेशनल फ्लैग, या फिर विनिंग इंडिया फर्स्ट ओवरसीज स्पोर्ट्स मेडल्स, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। तो बच्चे बेसिकली डिजाइनिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगली वेंकैया द डिजाइनर ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग, ये सेलिब्रेट अभी अभी रिसेंटली किया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ा इवेंट मार्क किया है, बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है इनकी। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज अ स्पेशल यू नो कॉमेमोरेटिव पोस्टेड स्टैम्प इन हिज ट्रिब्यूट। तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में 2 अगस्त 1876 में हुआ था, और इन्होंने बहुत सारे नेशनल फ्लैग के मॉडल्स डिजाइन किए थे। 1921 में महात्मा गांधी ने फाइनली इसको अप्रूव किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, जब वो विजयवाड़ा में इनसे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशन एनडीसी विच इज सीन इन द न्यूज, ये किस फील्ड से रिलेटेड टर्म है, इकोनॉमी से है, क्लाइमेट चेंज से है, डिफेंस से है, इंडस्ट्री से है। तो जो नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, कौन सी फील्ड से इसका लेना देना है, इकोनॉमी से है, क्लाइमेट जो बदलता है उससे है, डिफेंस से है, या इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग से है। थिंक अबाउट इट, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी, द करेक्ट आंसर वुड बी बेटा क्लाइमेट चेंज। तो यूनियन कैबिनेट जो है हमारा, उसने अभी अभी अप्रूव किया है इंडिया अपडेटेड नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये कम्युनिकेट करती है यूएन नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी को। इंडिया लास्ट सबमिटेड इट्स एनडीसी इन द ईयर ऑफ 2015। इंडिया हैज कमिटेड टू रिड्यूस द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45% बाय 2030 and achieving a 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuels based energy resources by 2030। तो बेसिकली ये इको फ्रेंडली एक जो हमारा इनिशिएटिव है यूएन की तरफ से लिया हुआ, उसके कंट्रीब्यूशन में है कि कैसे हम फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन कम कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
Next question. Harmeet Desai and Sathya Gnaneshkaran, who won the gold for India? So जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कौन से स्पोर्ट के लिए जीता है इन दोनों ने? वेट लिफ्टिंग के लिए, बॉक्सिंग के लिए, टेबल टेनिस के लिए, बैडमिंटन के लिए? अभी मैंने आपको बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो गए, ओलंपिक्स को भी हुए, बहुत वक्त नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें सुर्खियां में है अभी. दे आर प्रीटी मच स्टिल द वेरी मच दे स्टिल वेरी मच द हाईलाइट ऑफ द न्यूज. तो आपको ये पता होना चाहिए. और ये भी गोल्ड मेडल की बात हो रही है, अभी अभी की बात हो रही है. द करेक्ट आंसर इज गाइज टेबल टेनिस. ठीक है, तो इंडिया टेबल टेनिस टीम जो है रिटेन इट्स मेन्स टीम चैंपियनशिप टाइटल विद अ विन ओवर सिंगापुर इन द फाइनल मैच इन द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2022. ये टीम इंक्लूड करती थी हमारे इन दो महान हस्तियों को, इन सारे लोगों को. एंड द इंडियन मिक्स्ड बैडमिंटन टीम वन अ सिल्वर मेडल इन द गेम्स इज वेल. ओके, चलो नेस्ट्स. ये जो है इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन वर्किंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री. तो एक यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर नेस्ट नाम की एक ऑटोनॉमस, यानी कि बहुत ज्यादा किसी से बाउंडेड नहीं है, ऑटोनॉमस है, ये अपना रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड करती है. ये इंस्टीट्यूशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करेगी? एडुकेशन, ट्राइबल अफेयर्स, कल्चर या एक्सटर्नल अफेयर्स? किस इंस्टीट्यूशन के अंडर फॉल करती है ये इंस्टीट्यूशन, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, ये बताना है हमको. तो मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. नेस्ट जो है कौन सी मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर करती है फॉल? इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन एंड द करेक्ट आंसर इज ट्राइबल अफेयर्स. तो इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो ऑब्वियसली ट्राइबल अफेयर्स के अंडर काम करती है. इन्होंने नेस्ट से और सीबीएसई ने कोलैबोरेट किया है टाटा के ट्रस्ट के साथ, और स्टेक होल्डर्स ने लॉन्च किया है एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग 21st सेंचुरी के लिए प्रोग्राम, जिसका नाम है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS, प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स वर्चुअली. सो दैट इज व्हाट द नेस्ट्स हैव बीन वर्किंग ऑन इन कोलैबोरेशन. ठीक है, कैस्पर रूड हु रिसेंटली वन द स्विस ओपन इज फ्रॉम विच कंट्री? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और इटली? विच कंट्री इज ही फ्रॉम? एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे. ठीक है, तो नॉर्वे के जो कैस्पर रूड है वाज डिफीटेड इटलीज सॉरी ही डिफीटेड इटलीज मैटियो बेरेंटिनी इन द फाइनल ऑफ द स्विस ओपन इन ज़ार एंड क्लिंच द टाइटल. ही फाइनली ग्रैब्ड इट. ये 9th टाइटल है ये फॉर दिस पर्सन, जो कि सिर्फ मात्र प्लेयर जो है 23 साल के हैं. ही रिसेंटली बिकेम द हाइएस्ट रैंक नॉर्वेगियन टेनिस प्लेयर इन द हिस्ट्री after attaining his career high single ranking of world number 5. okay, to sports tennis aisa nahi hai ki sirf commonwealth padhna hai, sab padhna hai. to commonwealth bolte hi commonwealth aa gaya. india won its first ever medal in which sport in the commonwealth game of 2022? netball, squash, lawn bowls or rugby sevens? kaun si game mein india ne pehli baar ye apna jo hai मेडल जीता है? इस गेम में इसके पहले नहीं जीता था हमने. नेटबॉल, स्क्वॉश, लॉन बॉल्स, रग्बी सेवन्स. एंड वी विल मूव ऑन इन 3, 2, 1 and 0. इट इज लॉन बॉल्स. यू गाइस, इंडियन वुमेन लॉन बॉल्स टीम ने क्रिएट कर दी हिस्ट्री 2022 में कॉमनवेल्थ के गेम्स में, पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर इस पूरे स्पोर्ट में. इट वाज आल्सो द फर्स्ट एवर मेडल इन इंडिया इन द स्पोर्ट. तो मतलब गोल्ड मेडल ही सिर्फ पहला नहीं था, स्पोर्ट में ही पहली बार हमने जीता. लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी, साइका एंड रूपा रानी तिर्की ने गोल्ड की मेडल को जीता साउथ अफ्रीका को हरा के बाई 17-10. दैट वॉज द रिमार्केबल डिफरेंस दैट वॉज क्रिएटेड.
Larsen and Toubro signed a MOU, Memorandum of Understanding, right? With which state to set up an IT and ITES technology park? Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, Maharashtra. So Larsen and Toubro ne apna deal kiya hai, agreement ki hai. कि हम अपने आईटी पार्क्स को सेट करेंगे. तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन हमने जो पढ़ा है, थोड़ा सा याद करिए, हमने पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन में, है ना, कि स्टेट्स गवर्नमेंट्स ट्राई करती हैं एमएनसीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि वो जब आकर अपना ऑफिस सेट करती हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इकोनॉमी बिल्ड होती है. तो किस स्टेट ने इस चीज को आगे बढ़ाया है विद लार्सन एंड टोब्रो, एंड विल लुक एट द रिस्पॉन्स इन 3, 2, 1, 0. गुजरात. ठीक है, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये डील हुई है इस टेक्नोलॉजी पार्क इंस्टॉल करने की वडोदरा में. एलएनटी, यही लार्सन एंड टोब्रो एलएनटी हमने देखा है बहुत ज़्यादा, ये डेवलप करेगी अपने आईटी पार्क को नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं. तो आप सोचो, जो लोकल लेबरर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, तो ये वहाँ के लिए बहुत अच्छा है. प्लस लॉन्ग टर्म में जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो अलग, ये लगभग 2000 इंजीनियर्स को प्रोवाइड करेगा जॉब और बाकी पोजीशंस भी एक साल में, और 10,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होंगी उसके बाद अगले 5 सालों में, विच इज अ ह्यूज ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चलो. विच यूनिवर्सिटी वॉज सॉट टू बी कन्वर्टेड इन टू द गति शक्ति विश्वविद्यालय एज पर द रिसेंट बिल पास इन लोकसभा? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय है, इसको किसको आपको लग रहा है हम इसमें चेंज करना चाहते हैं? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, बिट्स पिलानी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, या फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद? कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिसको लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, ठीक है, बनाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय? अब जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बेल रिंग करेगा और आप कनेक्शन भी फॉर्म कर लोगे कि भाई गति शक्ति है तो गति स्पीड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है. तो लोकसभा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है पास किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट 2022 में, जो कन्वर्ट करेगी आपका एनआरटीआई को, अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनटू द गति शक्ति विश्वविद्यालय, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. ठीक है, एज पर द एडुकेशन मिनिस्ट्री, जीएसवी जो है ये एक वर्ल्ड क्लास मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूशन बनेगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए. गिंडी नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, ये कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका. आप देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि न्यूज में क्यों ये रिसेंटली देखा गया था, वहां से भी सवाल बन सकता है. लेट जस्ट से दैट आप उस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो तो यू हैव टू फोकस ऑल्सो ऑन अदर थिंग्स, क्योंकि वहां से फिर आपका सवाल पे और सवाल बन जाता है ना. तो तमिलनाडु है, अब यहाँ पे सवाल दूसरा हमारा क्या है कि भाई क्यों था ये चर्चों में, है ना, वाई वॉज इट इन द न्यूज. तो ये लोकेटेड है चेन्नई में, बच्चे, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू नेशनल पार्क है जो बीच सिटी में पाए जाते हैं. नॉर्मली नेशनल पार्क साइड में कहीं होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर हैज बीन सेट अप रिसेंटली इन दिस नेशनल पार्क बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट टू हेल्प द इंजर्ड एंड द रेस्क्यूड वाइल्ड लाइफ. ओके, now the next, the Chevalier Knight of the Order of Merit is a famous award presented by which country? France, US, Germany or Australia? ye Knight of the Order of the Merit, ye jo award present kiya jata hai, ab yahan aapko aapko ye bhi sawal aa sakta hai ki kyun award present kiya jata hai, kisko kiya gaya hai, koi Indian hai kya jise mila hai, ya kya Indians ko mil sakta hai. ये सब थोड़ा जब आप सवाल देखो तो इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाओ, एडिंग ऑन टू द पॉइंट दैट आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाइए. जवाब देखते हैं, 3, 2, 1 and 0. फ्रांस, द नेम इटसेल्फ शेवलियर, है ना, उसे लग रहा है कि फ्रेंच है ये. तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये अवार्ड, विच इज शेवलियर डे लॉयट नेशनल ड्यू मेरिट, द किंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ये दिया इज कन्फर्ड ऑन कनन सुंदरम. तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, अगर इंडियन को नहीं मिला होता तो इंडिया में नहीं पढ़ रहे होते, है ना. पब्लिशर ऑफ योर कलाचुवाड़ू, द अवार्ड हैज अनाउंस्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिशिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. ठीक है, चलिए. विच कंट्री लीड्स द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, MSP जो है, चाइना, जापान, US और इंडिया? तो MSP कौन लीड करता है?
एक हिंट अगेन, आप गेस कैसे ले सकते हो यहाँ पे अगर कोई आइडिया नहीं है, मतलब थोड़ा सा जा सकते हैं हम, पहले तो थोड़ा भी पता होना चाहिए कि क्या इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा होगा, क्या इंडिया लीड कर रहा होगा। एक बात तो जरूर है, इंडिया अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये सवाल यहाँ क्यों है। तो इंडिया कुछ ना कुछ तो कहीं ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट करते हैं हम, है ना। तो अब इसके बारे में और पढ़ेंगे। सो अ न्यू यूएस लेड पार्टनरशिप इनिशिएटिव ऑफ 11 नेशंस व्हिच वाज रिसेंटली फॉर्मड एम्स टू बोल्स्टर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। ओके, द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप विच इज MSP फोकसेस ऑन द सप्लाई ऑफ द मिनरल सच एज कोबाल्ट, निकल, लिथियम, जो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स है। उस पर अलायंस देखा गया है इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। तो चाइना के अगेंस्ट एक ब्लॉक कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है कि चाइना को बीट करके लोग जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए। सो लेट्स मूव ऑन। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? कौन सी मिनिस्ट्री ये काम करती है? एंड लेट्स मूव ऑन इन 3, 2, 1, 0। बच्चे द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करती है स्कीम को। रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था मिनिस्टर पीयूष गोयल के अंडर द डिजिटल वर्जन ऑफ द ODOP गिफ्ट कैटलॉग। तो ये गिफ्ट कैटलॉग इंक्लूड करता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे फ्रेग्रेंसेस एंड ऑयल्स, परफ्यूम्स एंड ऑयल्स, होम डेकोर प्रोडक्ट्स, इंडियन स्पिरिट्स, फैब्रिक्स अलोंग, जो एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? भारत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, प्रधानमंत्री आर्बिट्रेशन सेंटर और आत्मनिर्भर आर्बिट्रेशन सेंटर? टेक अ गेस यू गाइज, वॉट डू यू थिंक? मतलब ऐसे तो आई वुड से कि गेस मत लो, पता हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो सोच करके भी बता सकते हो, है ना। मतलब वैसे तो ये सारे ऑप्शंस बहुत ज्यादा पास पास है। वन सेकेंड, चलिए आंसर देख लेते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नाम दिया है लोकसभा में इसको ऑल्टर करके, राइट। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट मूव द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल 2022 लोकसभा में। लॉ मिनिस्टर किरेन रिजू मूव द बिल टू अमेंड द न्यू आर्बिट्रेशन सेंटर, ठीक है, टू बेसिकली द इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो ये हमारा नया नाम हो चुका है जो अब हम यूज करते हैं ताकि वाइडर कंट्री लेवल पे स्कोप दिया जा सके, सिर्फ सिटी लेवल के जगह। पहले न्यू दिल्ली पे फोकस था, अब जब हम इंडिया इंटरनेशनल बोल रहे हैं तो पूरे कंट्री पे फोकस जा रहा है, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMRs रिसेंटली सजेस्टेड बाय द नीति आयोग मेंबर फॉर मीटिंग इंडियाज एनर्जी नीड्स? सिस्टमैटिक मॉड्यूलर रिएक्टर्स, सिंपल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और स्मॉल म्यूचुअल रिएक्टर्स? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द SMRs व्हिच हैज बीन रिसेंटली सजेस्टेड बाय आई थिंक टैंग नीति आयोग मेंबर्स, ताकि हम अपने एनर्जी नीड्स को मीट कर सके, क्योंकि हमारा फिर तो आपका UNFCCC की तरफ भी तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, हर एक जगह पे हमारा कुछ ना कुछ है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है। तो साइंटिस्ट वी के सारस्वत के सजेशन पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को सेटअप करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर का टेक्नोलॉजी है दैट हैव पावर कैपेसिटी ऑफ अप टू 300 MW पर यूनिट। दिस वुड हेल्प मीट इंडियाज एनर्जी नीड्स एंड इन रिप्लेसिंग द एजिंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, Which institution released the Prevention of Insider Trading PIT regulations?
देखो बेटा, इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, मतलब बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह में होती है, बड़ी कंपनीज में स्टॉक के लिए ही इनसाइडर ट्रेडिंग की जाती है। कोई अंदर से न्यूज़ दे देता है तो उससे क्या होता है, कंपनीज पैसा बनाती है, स्टॉक इन्वेस्टर्स पैसा बनाते हैं। तो उस पर रेगुलेशंस है, ये लीगल भी माना जाता है, RBI, SEBI, नीति आयोग या CCI, किसने किया होगा। मैं आपको, मैंने एक बहुत कीवर्ड दिया है यहाँ पे जिससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन आप ऐसे फटाक से पहचान लोगे। एंड द करेक्ट आंसर इज सेबी। सेबी बेटा स्टॉक से कुछ भी रिलेटेड है ना, सेबी ही वहां पे आएगा, ठीक है। तो मार्केट रेगुलेशन सेबी ही रिलीज करती है, मेंटेन करती है, और इन्होंने ही इनसाइडर ट्रेडिंग की गए को रोकने के लिए जो है पूरा फ्रेमवर्क बनाया है। अंडर दिस PIT रेगुलेशन, ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज व्हेन द कंप्लायंस ऑफिसर डिटरमाइंस दैट अ डेजिग्नेटेड पर्सन और क्लास ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन पीपल्स अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो वो इस चीज की जड़ तक जाते हैं। फिर हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, द CSIR? डॉक्टर एन कलाई सल्वी, मार्गरेट एल्वा, डॉक्टर रंजनी रघुनाथ और जयश्री सत्यनारायणा। हु वॉज द वेरी फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? अब यहाँ पे आपको CSIR के बारे में भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, प्लस ये चार नए नाम आए हैं, है ना, इन चारों नामों के बारे में आपको कुछ ना कुछ डिटेल्स भी यहाँ से सर्च आउट कर लेनी चाहिए। तो हम जवाब देखते हैं इन 3, 2, 1, 0। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी, राइट। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। The energy researcher will be the secretary to the Department of Scientific and Industrial Research. She is only fourth woman scientist to occupy position of a secretary of a scientific department under the central government. इसके पहले सिर्फ तीन और ladies रही हैं। कौन थी वो तीन? वो भी बता कर लेना। तो who is the recipient of the 2022 Deepal R. Nagam Dustin Award? The highest civilian honor of Ladakh? Narendra Modi, Dalai Lama, Draupadi Murmu or Venkaya Naidu? Who has won this award? Option A, B, C or D? And let's move on. The correct answer is Dalai Lama, Ladakh. है ना, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, सबको पता है। वाज ऑनर्ड विद दिस अवार्ड व्हिच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर लद्दाख के लिए। ये छठा अवार्ड है व्हिच वाज कन्फर्ड बाय द लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेड टू दलाई लामा फॉर हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उन्होंने ह्यूमैनिटी को खास करके इस यूनियन टेरिटरी को दिया है उसके लिए। ओके, लंग्या हेनिपा वायरस और द लेवी अ न्यू वायरस, ये कौन से देश में डिस्कवर हुआ है? इटली, इजराइल, चाइना, इंडिया? लेवी जो वायरस है कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? इटली में किया गया है, इजराइल में किया गया है, चाइना में किया गया है या फिर इंडिया में किया गया है? एंड वी विल स्टार्ट इन 3, 2, 1, 0। चाइना, वायरसेस चाइना में ही मिल रही हैं। तो ये जो है एक नया जूनोटिक वायरस है जो कि डिस्कवर किया गया है दो ईस्टर्न प्रोविंसेस में चाइना के। इट्स अ न्यू काइंड ऑफ द हेनिपा वायरस व्हिच इज आल्सो नोन एज द लांग्या हेनिपा वायरस और द लेवी वी। साइंटिस्ट ने बोला है कि वायरस जो है ये एनिमल से ह्यूमंस में आ सकता है और फिर ह्यूमन से ह्यूमंस ट्रांसमिशन जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई है। अब ये वायरस क्या है, कब हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कितना परसेंट ऑफ टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय द सेंटर इज डिवॉल्व्ड अमंग स्टेट्स? सो व्हाट परसेंट ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय सेंटर इज डिवॉल्व्ड अमंग द स्टेट्स? 40, 41, 42 और 45? एंड देखिए जवाब, 3, 2, 1, 0। 41। 41% जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है ना सेंटर के द्वारा इज रिवॉल्व इन 14 इंस्टॉलमेंट्स, जो भी जितने स्टेट्स हैं ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में। सेंटर रिसेंटली रिलीज टू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द टैक्स डिवोल्यूशन स्टेज टू स्टेट गवर्नमेंट अमाउंटिंग टू 1.16 लाख करोड़। ओके,
Who is India's first sports person to receive the Padma Vibhushan Award? Sachin Tendulkar, Saina Nehwal, Vishwanathan Anand और महेश भूपति. थोड़ा टाइमलाइन से भी हिंट ले सकते हैं हम, ठीक है? और थोड़ा अवार्ड के नाम से भी सोच सकते हो. थोड़ा आपको पता होना चाहिए किसको मिला होगा अवार्ड. फिर एक एडुकेटेड गेस यहाँ पे हम ले सकते हैं. बढ़ते हैं जवाब की तरफ इन 3, 2, 1, 0. विश्वनाथन आनंद. बच्चे जैसे हुआ ना, साइना नेहवाल इज प्रेटी मच वेरी वेरी न्यू. महेश भूपति, सचिन तेंदुलकर हो सकते थे, विश्वनाथन आनंद और पहले सोचना है. अब सोचो कौन सा गेम था. गेम भी पता होना चाहिए, है ना? स्पोर्ट्स भी पता होना चाहिए. हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन द 1400 मीटर रन? एम एल वल्समा, पीटी विश, कमलजीत संधू और के महेश्वरी. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स. एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है 400 मीटर की दौड़ में, रेस में. किसकी बात कर रहे हैं हम? एंड लेट्स लुक एट आवर रिस्पॉन्सेज. द करेक्ट आंसर, कमलजीत संधू इज द करेक्ट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग इज हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर? गीता चंद्रन, लीला समसन, गंगूबाई हांगल और स्वप्न सुंदरी. क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर. कर्नाटक क्लासिकल सिंगर भी होते हैं, तो अलग अलग तरह का क्लासिकल सिंगर्स भी हैं, मतलब क्लासिकल म्यूजिक भी है. हम जिस सिंगर की बात करें, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर की, वो कौन से मतलब वो कौन सी सिंगर है इनमें से? द करेक्ट आंसर इज गंगूबाई हंगल. ठीक है, चलो. व्हेन इंटरनेशनल योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड? ओ ये तो ईजी है. 1st May, 21st June, 25th April, 2nd July. अभी योगा से ही होगा, बहुत चला हुआ है. स्पेशली जब से नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने काफी ज्यादा बड़े लेवल पे इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कराया है. कुछ दिनों पहले ही हमने सेलिब्रेट किया है. वैसे तो ये मई, जून, जुलाई और अप्रैल के ऑप्शंस हैं, तो आप वैसे ही उसके अराउंड कंफ्यूज हो जाओगे. थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, बहुत वक्त नहीं हुआ है. विल स्टार्ट इन 3, 2, 1 एंड लेट्स सी. 21st June, है ना? कुछ लगभग 2 महीने पहले ही हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाया है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू स्ट्रेनिंग इंडो चाइना रिलेशन? इनमें से कौन सी चीज उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है? एक डैम जो बनाया जा रहा है रिवर ब्रह्मपुत्र पे तिब्बत में, विजिट ऑफ दलाई लामा टू अरुणाचल प्रदेश, स्टेपलिंग ऑफ चाइनीज वीजा फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लिंकिंग कश्मीर वैलीज विद द इंडियन रेलवेज नेटवर्क. विच वन डू यू थिंक इज नॉट अ प्रॉब्लम विच इज काइंड ऑफ हैम्परिंग और स्ट्रेनिंग, है ना, स्ट्रेस डाल रही है इंडिया चाइना के रिलेशन को और नाजुक बना रही है? इनमें से 3 वजह हैं, एक वजह नहीं है. वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंडिया चाइना को के बीच में दरार और बड़ी नहीं होगी? चल जाएगा, लेट्स सी इन 3, 2, 1, 0. बच्चे कश्मीर जो है वो हमारे अपने देश का हिस्सा है, वहां पे इंडियन रेलवे को नेटवर्क करने से प्रॉब्लम नहीं होगी. दलाई लामा तिब्बत से आते हैं, चाइना का हिस्सा है, वो इंडिया में आके घूम रहे हैं तो दिक्कत हो रही है. अब ब्रह्मपुत्रा पे बना लेंगे डैम अगर, तो पानी उतना नहीं आएगा, और ब्रह्मपुत्रा एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है इंडिया के लिए, नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न पोर्शन में जो हिमालयन रिवर्स है हमारे 3. और फिर ऑफ कोर्स स्टेपलिंग ऑफ चाइनीज वीजा फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अनदर इशू. ठीक है, तो इसी के साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के भी किए हैं, आप उनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा. बाकी आपके लिए और भी सेशंस हम कंडक्ट करा ही रहे, सो डू गो एड एंड चेक दैट आउट विद द एनडीए क्रैश कोर्स दैट्स अवेलेबल फॉर यू. जुलाई 18th और 11th को शुरू हुआ है. हिंदी इंग्लिश दोनों बैचेस चल रही हैं. 8 हफ्ते का कोर्स है. जो पहले से शुरू हो गया उसके रीप्लेस मिल जाएंगे, बहुत डिटेल्ड रीप्लेस हैं, नोट्स भी आपको मिल जाते हैं. तो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर यू टू गेट दिस. 85 कोर्सेज हैं, 6,000 रुपए में मिलता है. 10% जो है आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा जब आप AKNDA इसमें कोड लगा दोगे. ठीक है, तो लाइव सेशंस जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पार्टली और फुल्ली टेस्ट दोनों अवेलेबल है. बेटा पार्ट टेस्ट क्या है कि 2.5 घंटे का टेस्ट लेना है सिर्फ मैथ्स का, सिर्फ सोशल का, और बाकी आपको पूरे 5 घंटे का टेस्ट लेना है, वो भी है. सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके आएंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, और डाउट सॉल्विंग भी आपकी होगी. लाइव तो होगी एक्सपर्ट्स के साथ, सेशन के बाद भी होगी, मतलब आपको डाउट ऐप भी मिल जाएगा. और ये देखो स्केड्यूल भी दिया है, इंग्लिश बैचेस का भी दिया है और हिंग्लिश बैचेस का भी दिया है. तो चेक दिस आउट, इट्स वेरी हेल्पफुल आई एम श्योर.
फिजिक्स की केमिस्ट्री के रॉकस्टार टीचर्स से भी मिल लीजिए, ये हमारे बायो की टीचर है मैम, इंग्लिश के सर, ठीक है, मैथ्स की अमेजिंग अमेजिंग शिवम सर, आदित्य सर, और सोशल साइंस के मोहित यादव सर, ये बहुत ही सेफ हैंड्स में आप जाओगे। और इसी बात पे हिट कर दो लाइक बटन, शेयर कर दो वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तो फैमिली और बड़ी होगी। एंड थैंक यू सो मच यू गाइस फॉर बीइंग हियर। आई थिंक इसके साथ हमारी जर्नी भी खत्म होने वाली है बहुत जल्द, हम बहुत जल्द मैराथन करने वाले हैं, तो मैराथन तो बिल्कुल मिस मत करना। इतने दिनों से जो पढ़ रहे हैं वो सब एक साथ करेंगे रिवाइज। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट एंड आई एम गोना एंड द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्रिपेयर वेल, डू वेल एंड ऑल द बेस्ट बच्चों। सो इसके साथ आई एम गोना से बाय टू यू, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, चाओ, अडियोस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।